जी दीदी, सुन पा रहे सुन आपको? हाँ पा रहे? कल जी हम सब ने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने हमें वरदान भी दिए, हिम्मत में, निश्चय में, नशे में, अमर भाव का वरदान दिया। और बाबा ने कहा हमें इस मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के खजाने भी दिए, गुणों का खजाना, सहयोग का खजाना, शक्तियों का खजाना। तो इन सब चीजों को, इन बातों को हमें रिवाइज करना है। और बाबा ने कहा हमें विस्तार में नहीं, सार में जाना, शॉर्ट और स्वीट बनना है। तो बाबा ने, ये शॉर्ट में मुरली का सार है। और बाबा ने कहा होमवर्क भी दिया कि हमें माया फ्रूट इन खजानों से भरपूर बनना है। और बाबा इसकी रिजल्ट कब देखेंगे? 18 तारीख को देखेंगे। तो हम सबको ये होमवर्क करना है। फिर बाबा ग्रुप से मिलते हैं, उसमें पहला ग्रुप है डबल विदेशी का। यूथ ग्रुप से सभी ने गीत गाया, उमंग उत्साह का गीत बहुत अच्छा गाया। यूथ को बहुत कार्य करना है। ऐसा यूथ ग्रुप तैयार हो जो सब निमंत्रण देकर आपको अपने स्टेज पर बुलावे, बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग देने वाले भी अच्छे हैं। तो जो बाप दादा ने इस वर्ष का कार्य दिया है उसमें यूथ ग्रुप नंबर 1 लेंगे ना। सिखाने वालों ने भी अच्छी मेहनत की है। फिर अगला है वैल्यूज कोर्स में आए हुए भाई बहनों से, ऐसे होशियार हो जाओ जो बाप दादा और सारा विश्व आपको थैंक्स देता रहे। सभी के जीवन में वैल्यूज इमर्ज करके दिखाओ। जहाँ ऐसे कोई बहुत बड़े स्वभाव के हो ना, वहाँ इस ग्रुप में से कोई ऐसे तैयार हो जाए जो वहाँ के वातावरण को चेंज कर दे। जैसे पंजाब में आतंकवाद बहुत था ना, तो पंजाब वालों ने योग के वाइब्रेशन से, स्नेह से सेवा की और फर्क का आ गया। तो यह वैल्यू वाले भी ऐसी कोई प्रत्यक्ष सेवा करके दिखावे। जहाँ एक कदम वैल्यू गिरी हुई हो, ऐसे को वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना। मुबारक हो। फिर बाबा ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने हिम्मत करके जो रिट्रीट हाउस लिया है उसकी मुबारक हो। और उसमें ऐसे कोई निकालो जो माइक बन आपके बदले में वह अनुभव सुनावे जो ऑस्ट्रेलिया वाले पहले भी सदा आगे रहा है। अब रिट्रीट हाउस में ऐसे माइक तैयार कर बाप दादा के सामने लाना। फिर बाबा यूरोप, यूके, दुबई, मॉरिशस। यूरोप को तो वरदान मिला हुआ है कि यूरोप अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त बना भी है और बनेगा भी, क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी है। तो बहुत अच्छा है। यूरोप, यूरोप वाले, आप सबको याद होगा शुरू में बाप दादा यूरोप वासी यादव कह के यूरोप को याद करते रहते थे। और यूरोप को ब्रह्मा बाप ने बहुत बारी याद किया। तो अभी भी जो भी यूके व यूरोप में है उन्हों को ऐसे साइंस वाला माइक निकालना है जो आपके तरफ से माइक बर्न साइंस वाला साइलेंस को सिद्ध करके दिखावे। साइलेंस वाले साइंस साइलेंस को सिद्ध करते हैं, यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करे, अभी ऐसी कोई कमाल दिखाओ। यूरोप और यूके वालों ने ऐसा निकालना, बहुत अच्छा है। कमाल करनी है, होनी ही है। अच्छा, अमेरिका से, अमेरिका क्या हो करेगा? अमेरिका वालों को यूएन में ऐसा माइक तैयार करना है, यूएन का मेंबर हो और ऐसा माइक बने जो कहे कि सचमुच जो हम नहीं कर सकते वह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर सकते हैं, कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। ऐसा कोई निकालो। रिट्रीट हाउस ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे यूएन का कोई मेंबर तैयार करो जो स्टेज पर कहे कि यही है,
यही है जो कार्य कर सकती है। हिम्मत है ना, करना ही है और हुआ भी पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है बस। बाकी कमाल करेंगे, इतना वर्ष यूएन का कनेक्शन रहा है, कुछ तो कमाल करेंगे ना, तो ऐसे कमाल करके दिखाना। अच्छा, रिट्रीट हाउस के लिए मुबारक हो। फिर बाबा एशिया ग्रुप से बात करते हैं। अच्छा, यह क्या करेंगे? एशिया में ऐसे बहुत रत्न हैं जो ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन अभी तक छिपे हुए हैं। एशिया के कई भाग नई दुनिया में मिल जाएंगे, इसलिए आपकी धरनी एशिया की भाग्यवान है। तो उसमें से ऐसे विशेष रत्न निकालो। बाप दादा चाहते हैं कि अभी आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वह माइट बने और माइक और बने। आप माइट बन लाइट दो और वह लोग माइक बन भाषण करें, परिचय दें, अनुभव सुनावे। तो ऐसे एशिया में है जिन्हों को ढूंढो और निमित्त बनाओ। बाबा ने कहा, एशिया में ऐसे ऐसे आप लाइट माइट बनकर उनको ढूंढो और वो अपना भाषण करेंगे माइक बन और बाप का परिचय करेंगे। तो आप लोग माइट बन जाएंगे और वह माइक बनेंगे, ठीक है? एशिया वालों को करना है ना, बहुत अच्छा। फिर इनाम देंगे कि पहला बड़े से बड़ा माइक किसने निकाला। एशिया निकालेगी, नंबर वन जाएगा। हर एक सोचे नंबर वन जाना है। बाप दादा देखेंगे कौन बड़े से बड़ा माइक तैयार करता है। छोटे छोटे तो कनेक्शन में है, लेकिन स्टेज पर आवे माइक वह जो स्टेज पर बेधड़क बन भाषण करे, ऐसे माइक तैयार करो, ठीक है? तो कौन सा नंबर लेना है? पहला नंबर लेना। छोटे बच्चे भी हिम्मत वाले हैं, बहुत अच्छा है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, सेवा करने में होशियार है ना। तो अभी क्या करेंगे? अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड है ना, तो बाप दादा के पास ऐसे गोल्डन स्टेज वाले रत्न ले आओ, जैसे स्थूल गोल्ड मशहूर है, ऐसे अफ्रीका के रत्न हीरे भी वहां है, गोल्ड भी है। तो ऐसे रत्न सामने लाओ। कब लाएंगे? तारीख बताओ। अच्छा, मार्च में ले आएंगे। हाँ, अफ्रीका वाले कमाल करके दिखाओ, कमाल करेंगे, बहुत अच्छा। रत्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी मार्च तक देखेंगे, फिर इनाम देंगे, ठीक है? पसंद है बाबा? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को क्या कार्य दे रहे हैं? वहाँ का गोल सोना बहुत मशहूर है। बाबा कहते ऐसे बच्चे भी बहुत है, जो हीरे तुल्य है, गोल्ड है। बाबा कहते ऐसे बच्चों को तैयार करके लाना है, और बाबा ने टाइम भी दिया कि मार्च तक लेके आना, फिर रिजल्ट बाबा कहते इनाम देंगे। फिर बाबा रशिया से बात करते हैं। रशिया वाले क्या कमाल करेंगे? जैसे रशिया में अभी स्वतंत्रता हुई है ना, कम्युनिस्ट का राज्य नहीं है, स्वतंत्र है। तो ऐसे स्वतंत्रता का झंडा लहराओ जो रशिया में यह आवाज हो जाए कि सच्ची स्वतंत्रता यहाँ से ही मिल सकती है। यह आवाज चारों ओर फैल जाए, धर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता के हिसाब से यह आवाज लहराएंगे। रशिया वाले सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि बाप भी भोलानाथ है ना, तो रशिया वाले भी भोले बहुत अच्छे हैं, इसलिए बाबा को वहाँ के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। भोलेनाथ भोले भाले हैं, लेकिन है तीखे, अंदर होशियार है, लेकिन सूरत से बिल्कुल भोले, प्यारे मीठे लगते हैं, इसलिए सबका रसिया वालों से विशेष प्यार है, बहुत अच्छा है।
अभी स्वतंत्रता का आवाज फैलाना। अच्छा, इज़राइल अभी नया नया खुला है ना, तो लाडले हो। जो छोटे होते हैं वह ना वह लाडले होते हैं, और जो लाडले होते हैं वह सदा माँ बाप के समीप रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के लाडले बच्चे हैं वो माँ बाप के समीप रहते हैं, उन्हों के ऊपर सदा माँ बाप की नजर रहती है, इसलिए कमाल करके ही दिखाने हैं। प्लान अच्छे बनाते हैं और सफलता मिलती रहती है। थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं, हिम्मत अच्छी है, तो दूसरे वर्ष कमाल करके ग्रुप ले आना, ठीक है? अच्छा, चिल्ड्रंस ग्रुप को संभालने वाले टीचर्स से, अच्छा तैयार किया है, अच्छा दिल से उमंग उत्साह से कार्य किया है, इसलिए जो कार्य किया है उसकी सफलता मिलनी ही है। ग्रुप अच्छा है। बाबा फिर जूरिस्ट मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से बात करते हैं। बाबा कहते, जूरिस्ट क्या करेगा करेंगे, लॉ और लॉ का बैलेंस रखेंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वैसे भी जूरिस्ट बोलने में होशियार होते हैं। अच्छा बोला, हिम्मत के बोल बोले, और जूरिस्ट का काम ही है कमजोर केस को हिम्मत वाला बनाना। तो अच्छा हिम्मत दिखाई, और सदा जो भी मर्यादाएं हैं, लाज है, उस पर चलने और चलाने का वायुमंडल बनाते चलो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, एक-एक बहुत कार्य कर सकते हैं। क्यों, आपके पास जो आपके पास जो क्लाइंट बनकर आते हैं वह उस समय आपको भगवान के रूप समझते हैं, आप में फेथ होता है। ऐसे क्लाइंट को आप लोग बाप का बना सकते हो, तो वकील भी बढ़ते जाएंगे, जज भी पढ़ेंगे। अगर कहते जो जूरिस्ट है वकील, उनके पास जो भी क्लाइंट आते हैं तो उनको, क्योंकि उनको ऊपर विश्वास है, तो अगर कहते उनको बाप का परिचय दो तो क्या होगा, वकील भी बढ़ते जाएंगे और जज भी बढ़ेंगे। अभी कोई ऐसा जज तैयार करो जो नजदीक वाला हो, और जज अपने अनुभव के आधार से बोले कि अगर भारत का कल्याण होना है, सत्य सिद्ध होना है, तो यही है यही है यही है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, ऐसा कोई बड़ा जज तैयार करो जो निर्भय होकर स्टेज पर बोले, सिद्ध करके बतावे कि यह सत्य क्यों है। ऐसी हिम्मत है ना, आपके बोलने से ही हिम्मत लग रही है, तो ऐसा करना है। जिसको जो कहा है वह इस वर्ष में लास्ट सीजन तक, मार्च के एंड तक तैयार करके लावे, पसंद है? बाबा फिर सभी को याद दिला रहे कि जिसको जो भी होमवर्क दिया है बाबा लास्ट सीजन तक तैयार करके लावे। बाबा कहते यह पसंद है। फॉरेन वालों को भी काम दिया है, यूथ को भी काम दिया है, जजेस को भी काम दिया है। अभी देखेंगे कौन करके आता है। पब्लिक में कहे, यहाँ कॉन्फ्रेंस में कहना और बात है, वह तो यह धरनी ऐसी है। पब्लिक स्टेज पर कहे ऐसा तैयार करना। मधुवन की लता बहन वकील से, वह यह वकील भी होशियार है, अच्छा काम कर रही है। शक्ति आगे आवे, ठीक है, मुबारक हो मुबारक हो, बहुत अच्छा। तो बाबा ने हर एक एक ग्रुप को एक एक कार्य दिया है, और बाबा ने उसकी रिजल्ट कहा कि मार्च एंड तक देखेंगे, और फिर इनाम भी बाबा देगा। फिर बाबा टीचर्स बहनों से बात करते हैं। ग्रुप तो बहुत बड़ा है, 500-600 टीचर्स है, टीचर्स क्या करेंगी इस वर्ष में? टीचर्स इनाम लेना इस बात में, स्वयं और सेंटर निवासी और साथ में सर्व स्टूडेंट्स पूरे वर्ष में निर्विघ्न रहे,
कोई भी विघ्न ना स्वयं में आवे, ना साथियों में आवे, ना स्टूडेंट में आवे, ऐसी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। पार्टी लेकर आए हो तो नाम तो नोट है, सौगाते तैयार रखना, इनाम तैयार रखना, देखेंगे कितने इनाम लेने के पात्र बनते हैं। 3 सर्टिफिकेट लेंगे, 3 सर्टिफिकेट, एक अपना स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा साथियों का सर्टिफिकेट और तीसरा स्टूडेंट का, हाँ या ना। बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष को निर्विघ्न बनाना है, अपने प्रति भी, साथियों के प्रति भी और स्टूडेंट के प्रति भी। बाबा कहते हैं इसके लिए हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, दूसरा अपने आप से और दूसरा साथियों से और तीसरा स्टूडेंट का है। बाबा कहते इसमें हाथ उठाना, हाँ है या ना, बातों में नहीं निकालेंगे, सिर्फ हाँ, निर्विघ्न रहे या नहीं रहे, कचहरी नहीं करेंगे, बातें नहीं निकालेंगे, तो 3 सर्टिफिकेट लेने वालों को इनाम मिलेगा। हाथ तो सभी ने उठाया, जिसने नहीं उठाया समझते हैं कोशिश करेंगे, पता नहीं होवे नहीं होवे, वह हाथ उठाओ। ऐसा कोई है, शर्म तो नहीं करते हो? अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा समझा, फिर बाबा 3 बार बोलते, समझा समझा समझा। सब टीचर्स ने सुना, अच्छा है, टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, टीचर्स सेवा के साथी हैं, इसलिए बाप दादा को टीचर्स को देखकर खुशी होती है। बाप दादा रिगार्ड भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, साथी भी हैं, इसलिए विशेष मदद भी है। ठीक है ना? फिर बाबा मधुबन निवासी आबू निवासियों से बात करते हैं। अच्छा ग्रुप है, देखो मधुबन वाले अगर सेवा में आगे नहीं होते तो इतनी आत्माओं को बाप से मिलन का भाग्य कैसे मिलता? इसलिए मधुबन वालों को सबसे बड़े ते बड़ी देन सबके दुआओं की मिलती है, दुआएं मिलती है, दुआएं महसूस करते हो, सिखलाते भी हो और निमित्त भी बनते हो। तो मधुबन वालों को बाप दादा ब्राह्मणों के सेवा की छत्र छाया कहते हैं। मधुबन निवासियों के सेवा की छत्र छाया में अनेक आत्माओं का कायदा हो जाता है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो सभी का पुण्य मधुबन वालों को शेयर में मिलता रहता है। मधुबन वाले शेयर होल्डर है, बिना मेहनत के भी मिलता रहता है। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है, दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती हैं वह दिल की दुआएं जमा होती है। मधुबन वाले हम सभी जाते कितने निश्चिंत रहते हैं, सब कुछ मिलता है, तो उनको भी क्या मिलता है, दुआएं मिलती है। बाबा कितने सहज मिलती रहती दुआएं, दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है, तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। सेवा का पुण्य अच्छा मिला है, यह सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, कम नहीं करना, सदा बढ़ाते रहना। जैसे बाप के हाजिर कहते हैं, बाप हाजी हाजिर कहते हैं, वैसे मधुबन निवासी बाप के समीप है, तो मधुबन निवासियों को सदा जी हाजिर और जी हजूर दोनों ही याद है और रहेगा। दोनों याद है ना, हजूर भी याद है और जी हाजिर भी याद है। कोई भी बुलावे तो हाँ हाजिर, हाँ हाजिर, ऐसे है, हाजिर है ना, नाना तो नहीं करते हैं ना, हाँ हाँ वाले है, हाजी हाजी करके हजूर के आगे समीप आ गए और सबके लाडले बन गए। किस श्रेष्ठ नजर से मधुबन वालों को देखते हैं, बहुत लाडले हो गए हैं ना, जहां भी जाएंगे मधुबन वाले आए हैं, मधुबन वाले आए हैं, यह सेवा का फल है।
तो क्या याद है? जी हजूर और जी हाजिर, पक्का है ना? कभी भी नाना नहीं, हाजी हाजी। बहुत अच्छा। बाप दादा को मधुबन निवासियों से सदा प्यार है, सदा प्यार रहे है। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाबा राजस्थान से मिलते हैं। सेवा की बहुत अच्छी ड्यूटी संभाली है। राजस्थान ने सेवा का चांस अच्छा लिया भी और किया भी, इसलिए सेवा की मुबारक हो। ग्रुप बहुत अच्छा है। अभी एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना? अच्छा, फिर महाराष्ट्र जोन से बाबा बात करते। महाराष्ट्र नाम ही है महा, तो महाराष्ट्र क्या महान कार्य करके दिखाएंगे? बाप दादा ने आगे भी कहा है कि क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, अभी महाराष्ट्र को ऐसी क्वालिटी तैयार करनी है जो आवाज फैलाने में सहयोगी बन जाए। अभी महाराष्ट्र से कोई ऐसी विशेष आत्मा तैयार करो जो सारे महाराष्ट्र में उसके आवाज का प्रभाव हो, और महाराष्ट्र में मेहनत वाले हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं, इसलिए सहज सेवा करने से निकल आएंगे। इस वर्ष सभी को, हर जोन को ऐसा तैयार करके मार्च तक लाना है। मंजूर है? तो हाथ हिलाओ। मार्च में माइक की सेरेमनी मनाएंगे बाबा। लास्ट मिलन इंड में बाबा सभी को कार्य देते हैं और बाबा कह रहे कि ऐसे ऐसे माइक तैयार करो, फिर बाबा सेरेमनी भी मनाएंगे। यह लंदन का माइक, यह अमेरिका का माइक, यह भारत का, यह हर जोन का, यह महाराष्ट्र का, यह आंध्रा का, सब जोन का हो, फिर देखना क्या कमाल हो जाती है बाबा। हर एक एक जोन की और बाहर विदेशों की भी बाबा माइक की बात करते, सभी की इकट्ठे सेरेमनी मनाएंगे। फिर बाबा बॉम्बे वाले से बात करते। बॉम्बे को ब्रह्मा बाबा नर्देश्वर कहते हैं, इसका अर्थ है सदा संपन्न रहने वाला। तो बॉम्बे वालों को क्या तैयार करना है? कोई ऐसे सेवा के निमित्त बनाओ जो अनेक छोटे छोटे सेंटर को भी बड़ा बना दे। बॉम्बे में तो करते ही हो, लेकिन ऐसा कोई नर्देश्वर निकालो जो औरों का भी सहयोगी बने। तब कहेंगे बाबे बॉम्बे नर्देश्वर है। ऐसे कोई व्यक्ति तैयार करो जो आवाज फैलाए कि सच्चा धन अगर है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है। सच्चा धन क्या होता है? उसके ऊपर चैलेंज करके दिखावे कि सच्चा धन, अविनाशी धन किसको कहा जाता है। सहयोगी भी बने और चैलेंज करके दिखावे तो सबकी आंखें खुल जाए कि अविनाशी धन कौन सा है। ऐसा मार्च तक निकालेंगे। अगर हाँ है तो हाथ उठाओ, हिम्मत नहीं हो तो ना कहो। हिम्मत रखो तो क्या नहीं हो सकता है। किसको भी टचिंग होती है तो सेकंड ही लगता है। यह तो 3 मास है, तो देखेंगे नंबर 1 प्राइज कौन लेता है। बहुत बढ़िया प्राइज मिल रही है। इस बार स्थूल प्राइज देंगे जो यादगार रहेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश सब फंक्शन में बिजी है, थोड़े आए हैं, थोड़े भी बहुत कमाल कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश भी कमाल कर सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सहज कनेक्शन में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विशेष सेवा करे तो सफलता बहुत सहज मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं वह सहज संबंध संपर्क में आ सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश को वरदान है, इसलिए हिम्मत रखो तो सफलता सहज होगी। अच्छा, दिल्ली और आगरा। दिल्ली वालों का कार्य या आदि से आरंभ हुआ है, सेवा की आदि दिल्ली से हुई है, इसलिए बाप दादा दिल्ली का नाम सदा
वर्णन करते रहते हैं। दिल्ली वालों ने इन्वेंशन तो समय प्रति समय की है, लेकिन अभी और भी नई नई इन्वेंशन कर कोई नई सर्विस की रूपरेखा बनाने के निमित्त बनना है। दिल्ली का आवाज विश्व तक पहुंचता है, इसलिए दिल्ली का विशेष सेवा का नाम चारों ओर बाला हो जाता है। अभी कोई नया प्लान दिल्ली को प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। माइक तो दिल्ली में बहुत है, सहयोगी है, समय पर सहयोग देते हैं, लेकिन आवाज बुलंद करना, उसमें अभी उन सहयोगी आत्माओं को समीप लाना है। समय पर कार्य के निमित्त बनते हैं, लेकिन आवाज बुलंद करने के लिए सदा तैयार रहे। वो अभी कोई नई इन्वेंशन कर उन्हों को सहयोगी से सदा सहयोगी बनाना है। दिल्ली में ऐसी हिम्मत है ना? फिर जगदीश भाई से बाबा बात करते हैं। आदि से सेवा बहुत की है, आदि से सेवा के निमित्त बने हो और इन्वेंशन भी अच्छी की है। अभी देखो वर्गीकरण की रिजल्ट कितनी अच्छी है, इसलिए अभी फिर कोई नई इन्वेंशन करनी है। सबका आपसे प्यार है, मुरली में नाम आता है ना, तो सभी का अटेंशन जाता है। अभी शरीर को जबरदस्ती नहीं चलाओ, अभी आराम से चलाओ। अभी यह नहीं सोचो यह करना ही है, नहीं, औरों को आप समान बनाओ। मेले की शुरुआत भी दिल्ली से ही शुरू हुई, कॉन्फ्रेंस भी हुई, अभी नई इन्वेंशन दिल्ली से ही शुरू हो। अच्छा, फिर बाबा यूपी से बात करते। लखनऊ में बहुत अच्छा मेला चल रहा है, जैसे अभी सारे यूपी के संबंध से कार्य किया है, वैसे अभी यूपी में गवर्नमेंट की सेवा अच्छी हो सकती है। अगर सभी मिलकर यूपी में गवर्नमेंट की सेवा करें, तो वहाँ का आवाज चारों ओर फैल सकता है। ऐसी क्वालिटी यूपी में है जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सभी अभी सभी बिजी है, अच्छा किया है, बाप दादा खुश है और मुबारक दे रहे हैं। अनेक आत्माओं तक आवाज फैला है, ऐसे समय प्रति समय संगठन द्वारा आगे बढ़ते जाए। धरनी अच्छी है, सहज है, इसलिए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर बाबा ईस्टर्न जोन से बात करते। अच्छा, ग्रुप आया है, सेवा की मुबारक हो, बाप दादा ने दी है, बाप दादा ने दे ही दी है। आज अभी आवाज निकालने में सर्व के सहयोग से बाप दादा खुश है। ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता का स्थान है, इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप का आदि स्थान है, ऐसे अभी सभी को नाम बाला करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी सर्व के सहयोग से नाम हुआ है, मेहनत अच्छी की है, सहयोग भी अच्छा दिया है। अभी ऐसे ही सहयोगी बन और आदि स्थान को मशहूर करते जाए। कलकत्ता में बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल निकल सकते हैं। ऐसी सेवा करके कोई ऐसे निमित्त बनाओ जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। अच्छा है, अभी हिम्मत अच्छी है, उमंग भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। आगे बढ़ते चलो, बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा पंजाब से बात करते हैं। अच्छा है, पंजाब वालों ने भी जगह जगह पर अच्छा नाम बाला किया है। पंजाब अभी सेवा में अच्छा आगे बढ़ रहा है, इसलिए पंजाब वालों को वह हरियाणा, हिमाचल वालों को, सभी को सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं अच्छे सहयोग से और सफलता पूर्वक किए हैं, तो जैसे अभी सेवा में फास्ट जा रहे हैं, ऐसे आगे भी फास्ट रहेंगे और सफलता को प्राप्त करना ही है। अच्छी रिजल्ट है, पंजाब वालों को मुबारक। फिर इंदौर भोपाल से बाबा बात करते। चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, लेकिन हर एक अपने अनुसार सेवा में आगे तो बढ़ ही रहे हैं।
बाप दादा ने देखा है सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और वृद्धि भी होती रहती है। अभी जैसे वृद्धि करते रहते हैं वैसे ही चाहे भोपाल में चाहे इंदौर में दोनों जगह ऐसा वंडरफुल ग्रुप बनाओ जो सदा सेवा में और स्वउन्नति में एग्जाम्पल बने। दोनों तरफ ऐसा ग्रुप बनाओ जो एग्जाम्पल बन और तरफ भी अपना अनुभव सुना सके। तो मध्य प्रदेश अनुभव सुनाने का ग्रुप तैयार करे। सेवा में तो है ही अच्छे और आगे भी करेंगे, परंतु ऐसा कोई ग्रुप का एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मणों की सेवा हो। जहाँ कुछ भी हो तो ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल सामने आवे। दोनों ही मध्य प्रदेश है ना, तो दोनों को ऐसी कोई तैयारी करनी चाहिए। सेवा के प्लान तो अच्छे बनाते ही है। अभी ऐसा ग्रुप बन सकता है तो मार्च में दोनों तरफ का ऐसा ग्रुप बाप बाप के सामने लाना है। ठीक है, वैसे तो सभी तरफ वो ग्रुप बनाना है, लेकिन पहले आप लोग बनाओ। सभी जोन में बनाना है। निमित्त पहला नंबर आप बनो। सेवा में तो होशियार है ही, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति दीदी, ओम शांति। अभी टाइम हो चुका है, यहाँ ही रुकते हैं। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में रहिए। ओम शांति। और सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बोला कि सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने लास्ट के पैराग्राफ में बताया कि एक सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ 1 सेकंड के लिए, और दृढ़ संकल्प से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। यही हमारा नव वर्ष मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन वालों के लिए बाबा ने कहा है, मधुबन वाले जैसे शेयर होल्डर्स हैं, बिना मेहनत के भी मिलता रहते हैं। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है ना।
तो बाबा वही बता रही है, दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वो दिल की दुआएं जमा होती है, तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। तो सेवा करने से दुआएं मिलते हैं, इससे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है 3 सर्टिफिकेट लेना है हमको निर्विघ्न का, ये एक स्वयं का और दूसरे साथियों का और तीसरा स्टूडेंट का। तो हम निर्विघ्न रहे तो दुआएं मिलेगी, निस्वार्थ सेवा। उसके साथ साथ प्यार से हम सेवा करना है, नाम का रीति से नहीं है, प्यार से करेंगे तो दुआ मिलेगी। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज महाराष्ट्र से बाबा ने बोले अभी महाराष्ट्र को ऐसी क्वालिटी तैयार करनी है वो आवाज फैलने में सहयोगी बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। पंजाब से बाबा ने बताया है, अच्छा है, पंजाब वालों ने भी जगह जगह पर अच्छा नाम वाला किया है, पंजाब अभी सेवा में अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पंजाब वालों को वो हरियाणा हिमाचल वालों को सभी को सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक है। जो भी प्रोग्राम किए हैं अच्छे सहयोग से और सफलतापूर्वक किए हैं, तो जैसे अभी सेवा में फास्ट जा रहे हैं ऐसे आगे ही भी फास्ट रहेंगे और सफलता में को प्राप्त करना है, अच्छी रिजल्ट है। पंजाब वालों को मुबारक। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सच्चा धन और अविनाशी धन के बारे में बताया। सच्चा धन अगर है तो ब्रह्म कुमारियों के पास है। सच्चा धन क्या होता है उसके ऊपर चैलेंज करके दिखावे कि सच्चा धन अविनाशी धन किसको कहा जाता है, सहयोग भी बने और चैलेंज करके दिखावे तो सबकी आंखें खुल जाए कि अविनाशी धन कौन सा है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने वारिस क्वालिटी की आत्माओं के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि जो तन से और मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में वह हर समय एवर रेडी हो, उसको कहा जाता है वारिस क्वालिटी। हर समय जी हजूर हाजिर और हर कार्य में नंबर आगे आवे, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे वारिस क्वालिटी आत्माएं आगे निकलती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स बहनों से बात करते हुए बताया कि अपने आपको मतलब तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं संतुष्टता के, एक तो स्वयं का, अपने साथियों का और फिर अपने स्टूडेंट्स का। तीनों में सर्टिफिकेट लेने में पूरी हिम्मत रखनी है, अगर हिम्मत नहीं भी है तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि सबके दिल की दुआएं जो है वो अमूल्य, बहुत अमूल्य चीज है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वो दिल की दुआएं जमा होती है, तो उससे सहज पुरुषार्थ हो जाता है। तो बाबा ने यह विधि बताई कि सहज पुरुषार्थ करना है तो सबके दिल की दुआएं जमा करें। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट में? ओ
ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने जगदीश भाई से मुलाकात करते समय कहा कि शायद उस समय जगदीश भाई के शरीर का कुछ हिसाब किताब चल रहा होगा, तो इसलिए बाबा ने उनसे कहा कि इस शरीर को जबरदस्ती नहीं चलाओ, अभी आराम से चलाओ, अभी यह नहीं सोचो यह करना ही है, नहीं औरों को आप समान बनाओ। तो इसमें हमें ये भी सेवा में करते समय ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई सेवा मिली है तो वो सेवा टोटली हमारे ऊपर डिपेंड ना हो, तो हमारे सेवा करते समय हमें उस सेवा के लिए और आप समान भी सेवाधारी बना के रखना है। सो अगर शरीर का कोई हिसाब किताब आता है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो सेवा रुके नहीं। सो सेवा करते समय इस पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, ओम शांति। आप हमें होमवर्क भी देना और कमेंट कराना। तो बाबा ने जैसे कहा कि हमें सब माइक बच्चे निकालने हैं, तो बाबा ने महाराष्ट्र बॉम्बे को सेवा दी है कि हमें क्या क्वालिटी बच्चे निकालने हैं, तो हमें अभी उसकी तैयारी करनी है और ऐसे बच्चे निकालना है कि चारों तरफ यही आवाज हो कि हाँ यही है यही है। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि हमें टीचर्स बहनों के लिए भी कहा, तो केवल जो सेंटर्स पे रहते हैं वो टीचर्स बहने, हम सभी टीचर्स हैं, तो याद रखना हमें तीनों सर्टिफिकेट लेना है। और बाबा ने कल जैसे मुरलीम बाबा ने कहा था कि हमें हिम्मत का हिम्मत में, निश्चय में और नशे में अमर भव रहना है, ये वरदान सदा याद रखना। तो आज हमें चेकिंग करनी है कि हमें और मेहनत करके अच्छी क्वालिटी के बच्चे निकालने हैं। ठीक है, योग करते हैं। ओम शांति। मैं फरिश्ता इस देह से न्यारा, लाइट का फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता, एकदम हल्का लाइट के फरिश्ते, मैं फरिश्ता ऊपर आकाश मंडल पे भ्रमण करते कर रहा हूं। चारों ओर चक्र लगाते लगाते परम प्यारे परम पिता शिव परमात्मा के पास पहुंच जाता हूं और उनको उनसे शक्तियां भरकर नीचे ब्रह्मा बाबा के साथ भ्रमण करते हुए चारों तरफ एक ही आवाज निकल रहा है, यही है यही है यही है। उन सभी दुखी या शांत आत्माओं को शक्ति प्रदान करते हुए मैं फरिश्ता शक्तियों का दान करते हुए, गुणों का दान करते हुए सभी दुखी और अशांत आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति करा रहा हूँ। मैं फरिश्ता चारों ओर उस फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें निकलकर आकाश में पूरे वायुमंडल में फैल रही है और सारा वायुमंडल एकदम शुद्ध और पावन बन गया है। मैं फरिश्ता उड़कर फिर बाबा के पास जाता हूँ और शक्तियां भरकर फिर नीचे उतर रहा हूँ। और जगह जगह पर जहाँ ज्यादा आवश्यकता है हर कोने कोने पर बाप की शक्तिशाली शक्तियां बिखेरते हुए
सुख और शांति से संपन्न करता जा रहा हूँ। चारों ओर पाप का परिचय मिलता है और सारे सुखी और शांत होते जा रहे हैं। मैं फरिश्ता पूरा विश्व भ्रमण करके चारों ओर चक्र लगाकर पर फिर से इस देह में विराजमान हूँ। मैं फरिश्ता इस देह में भगवती सिंहासन पर विराजमान हूँ और यह देह एक ही संकल्प करती है कि मुझे माइक बच्चे निकालने ही है, निर्विघ्न वर्ष मनाना ही है, सदा सबको सुख देना ही है, सदा सुखी बनाना ही है, खजानों से भरपूर होना ही है। ऐसे दृढ़ संकल्प करते हैं कैसे करना ही है, करना ही है, करना ही है। ये अनुभव में पूरा दिन रहेंगे कि हमें ये कार्य बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है उसको पूरा करना ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, गुड डे, गुड डे ऑल द पर्सन। ओम शांति, गुड डे एवरीवन। ओम शांति, गुड डे।